हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मम्मी की रसोई में। आज हम जा रहे बनाने स्पेशल सूजी वड़ा। आपने मेदू वड़ा तो जरूर बनाकर खाए होंगे, लेकिन सूजी वड़ा इस तरीके से बिल्कुल भी बनाकर नहीं खाए होंगे। तो आप लोगों को मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। और हाँ, मैंने इस वीडियो में दो तरीके से बताया कि सूजी वड़ा कैसे बनाए। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं, फैंटास्टिक नाश्ता को शुरू करते हैं। सूजी वड़ा बनाने के लिए हम ले लेंगे एक कटोरी सूजी, हम इसको रवा भी बोलते हैं। तो आज हम इसी के मेजरमेंट से आपको बताऊंगी कैसे बनाएं। तो अब हम एक इसको बाउल में डाल देंगे और इसमें जाएगा, अगर आप एक कटोरी सूजी लेंगे तो आधा कटोरी फ्रेश दही ले लेंगे। तो आप अपने घर में कोई सा भी कटोरी ग्लास मेजरमेंट करके रख लीजिए और इसी के हिसाब से ले लीजिए। फिर हम इसमें पानी डालकर एक इसका अच्छा से बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर में आपको कोई लॉन्ग्स वगैरह नहीं लाने, अच्छे तरीके से बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद हम एक इसका ढक्कन लगाकर आधा घंटा तक, यानी कि 30 मिनट तक छोड़ देंगे, सूजी में पानी को एब्जॉर्ब होने देंगे। तो ये लीजिए 30 मिनट के बाद, कितना परफेक्ट है ना। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से थोड़ा फूलता है ये। तो चलिए थोड़े से सामान और देख लेते हैं। तो हम ले लेंगे एक बड़े साइज का प्याज, थोड़े से हरी धनिया, हरी मिर्च और साथ ही थोड़े से अदरक ले लेंगे। सबको हमने काट दिए, बारीक बारीक करके काट देना है आपको। थोड़े से मसाले देख लेते हैं, नॉर्मली मसाले हैं। तो थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स ले लेंगे, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा और साथ ही काली मिर्च ले लेंगे। काली मिर्च को हमने कूट दिया है। तो अब हम अपने बैटर में डाल देंगे। तो प्याज को डाल देंगे, हरी मिर्च को डाल देंगे, अदरक को डाल देंगे, साथ ही हरी धनिया को डाल देंगे। अगर आपको प्याज पसंद नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि छोड़ भी सकते हैं, लेकिन प्याज से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मसाले को डाल देंगे और हम इसमें डाल देंगे थोड़े से चावल के आटे को, यानी कि राइस फ्लावर को डाल देंगे। इससे बहुत ही कुरकुरा बनेगा। ऐसे तो सूजी वड़ा तो कुरकुरा बनेगा ही, लेकिन चावल के आटे से थोड़ा और ज़्यादा कुरकुरा बनता है और साथ ही टेस्ट भी अच्छा देगा। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। डालने के बाद आपको सबको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे इसमें। ज़्यादा पानी इसमें हमें नहीं यूज़ करना है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी होता है ये, और साथ ही खाने में मज़ा आ जाएगा। सुबह शाम दोपहर रात जब मन करे तब इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो ये लीजिए, हमने इसको फेंट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी वड़ा बनाना। गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। ऑयल को हीट होने दे देंगे। तो मैंने आपको बोला था कि दो तरीके से बताऊंगी, तो ये हमारा पहला तरीका है। हाथ में पानी लगा लेंगे, फिर हम छोटा सा ले लेंगे अपने डो को, यानी कि बैटर को ले लेंगे। और लेने के बाद उसको बीच में से सर्कल कर देंगे, तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर हम उसी टाइम लेकर कढ़ाई में डालते जाएंगे। इसको रखना नहीं होता है, यानी कि आपको पूरा बना बना कर ना रखना नहीं होता है, उसी टाइम डालो बनाओ। तो सेकेंड को भी आप देख लीजिए कैसे बनाना होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। तो अब हम पहले कढ़ाई में दो ही डाल देंगे, इसको पलट लेंगे। चलिए, जब तक ये फ्राई हो रहा है ना, तो दूसरा तरीका देख लेते हैं कैसे बनाएं। तो कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, यानी कि सूती का कपड़ा ले लेंगे। कपड़े को पानी से भिगो देंगे। पानी से भिगो देने के बाद जितने भी पानी है ना, सबको हटा लेना है। फिर हम उसको हाथ पर फैला लेंगे और अपने बैटर को लेकर थोड़ा सा डाल देंगे, कम या ज़्यादा भी करके डाल सकते हैं। फिर हम उसको बीच में से होल्ड कर देंगे, तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। चलिए सेकेंड भी देख लेते हैं। पहले को ऐसे करके डाल देंगे कढ़ाई में, तो सेकंड को भी सेम वही तरीका है बनाने का। डाल देंगे, उसको थोड़ा चिकना कर लेंगे और फिर हम उसको बीच में से होल कर देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी चारों साइड से लगा देंगे ताकि अच्छे तरीके से निकल जाए। दोनों का तरीका आसान होता है बनाना। दोनों आपको जो तरीका पसंद है ना, उस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा जो होता है ना कपड़े वाला, वो थोड़ा आसानी से और जल्दी बन जाता है, और थोड़ा हाथ वाला में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आप देख लीजिएगा आपको जैसा लगे वैसे करके बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम उसको फ्राई करके निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर आपको फ्राई करना था। तो ये लीजिए कितना अच्छा लग रहा है सूजी वड़ा। तो चलिए सर्व करते हैं। तो हमने इसको हरी धनिया वाली चटनी के साथ सर्व किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।